वेलकम बैक। सियासत की बात में दूसरा मुद्दा, नरेंद्र मोदी या मोदी मेनिया को रोकने के लिए, यूफोरिया को रोकने के लिए बिहार से सियासी आंधी चलाने की कोशिश भटकाव के भावर में उलझती नजर आ रही है। ये देखिए हमारी टीम ने कितने भारी भरकम शब्द लिखे हैं। दोबारा बोलते हैं, सियासी आंधी चलाने की कोशिश भटकाव के भावर में उलझती नजर आ रही है। जेडीयू के भीतर जारी उठापटक और मुलायम सिंह यादव की उदासीनता ने जनता परिवार के भविष्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं लालू यादव ने एकला चलो का इशारा देकर रही सही कसर पूरी कर दी। एक रिपोर्ट। जनता परिवार का प्यार परवान चढ़ता उसके पहले ही बेवफाई की आहट होने लगी है। नीतीश को मझधार में छोड़ मांझी के बेलगाम बोल जहां कुनबे में किचकिच बढ़ा रहे हैं, तो वहीं महाविलय के अहम किरदार लालू यादव भी एकला चलो का राग गा रहे हैं। 40 साल के बेटी के शादी करने के बाद हमको पटना में और दिल्ली में आप नहीं देखोगे, हम गांव और खेत खलिहान और स्वच्छ रहेंगे। हम निकलोगे, गांधी बाबा ने कहा था कि आगे पीछे मत दे, निकल पड़ो, लोग अपने आगे पीछे लगे हैं। हालांकि सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू यादव को 24 घंटे के भीतर ही जोश में आकर दिया गया बयान खटक गया। उन्हें एहसास हो गया कि किरकिरी हो सकती है, सो हमेशा की तरह ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। कुछ नहीं रहा, सब दिन भर टीवी यही सब चलाते रहता हुआ। परिवार की एकता के दिशा में कहीं कोई रोक नहीं है और ये होकर रहेगा, होगा। इमरान सिंह जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इतने डैमेज कंट्रोल भर से मामला कंट्रोल होता तो शायद कब का विलय हो गया होता। नीतीश कुमार लगातार बैठक कर अपने विधायकों की टोह ले रहे हैं, मन भांप रहे हैं, मगर विधायक हैं कि मानते ही नहीं। अब जब तक गठबंधन नहीं होता, सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही है, सभी के क्षेत्र में सभी कार्य करते रहेंगे, तभी एक दूसरे का मदद हो पाएगा। अपनी तैयारी, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, काम तो सबको करना चाहिए। जब तक हम अपने क्षेत्र में है, हमारी अपनी ताकत है। मैं मर्जर और इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ, नहीं होना चाहिए उनके साथ। अब पार्टी नेतृत्व करता है तो जो निर्णय होगा शीर्ष नेताओं का वो तो मानना होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। दरअसल जनता परिवार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जेडीयू के भीतर चल रहा यही घमासान है। नीतीश से नाराज विधायकों को मांझी में मसीहा दिखने लगा है। मांझी पूरे फॉर्म में है, बार बार नसीहतों के बाद भी मान नहीं रहे। आप लोग जो राजनीतिक मुद्दा है उसको हाथ में रखिएगा तो अगला आने वाला जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो निश्चित रूप में शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति होगा और उसके हाथ में रहना चाहिए। तो बिहार की सियासत में जेडीयू और आरजेडी का विलय एक बड़ा सवाल है, तो उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब पहले ही मोड़ पर दोस्ती दरकने लगी है तो आगे का रास्ता तय कैसे होगा। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी की चुप्पी भी अखर रही है। 30 जनवरी को दिल्ली में एक बार फिर जनता परिवार बैठने वाला है। इस बैठक पर नजर रखिएगा क्योंकि इस बैठक में अटेंडेंस से ज्यादा गैरहाजिरी सुर्खियां बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल जनता परिवार के इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट बनाया था। इसके विरोध में नीतीश एनडीए से अलग हुए, बिहार में सरकार बचाने के लिए लालू का समर्थन ले लिया, लोकसभा चुनाव में बिहार में बुरी तरह हार मिली, नीतीश ने पद से इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। इसके बाद से वो जनता परिवार के एकाकरण का कि यूनाइटेड है इसका राग गाने लग गए। इसके लिए कोशिशें भी रंग लाई। मुलायम लालू को न केवल एक साथ लाने में वो कामयाब रहे बल्कि मुलायम लालू के परिवार के बीच पारिवारिक रिश्ते के सूत्रधार तक बन गए। बिखरे जनता परिवार को एकजुट करने के लिए मुलायम को फ्रंटमैन बनाया गया, वहीं एकजुटता की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई। मुलायम ने विलय की शुरुआत बिहार से करने की शर्त लगा दी, जिसके बाद से बिहार में विलय की कवायद चल रही है। जेडीयू का एक बड़ा खेमा जो विलय के पक्ष में शुरू से ही नहीं था, उसे मांझी के रूप में एक सियासी मसीहा या अपना नेता मिल गया है। इनके तेवर इन दिनों नीतीश को परेशान किए। अब हालत यह है कि विलय का राग तो सभी गा रहे हैं, लेकिन विलय हो कैसे, कब हो, इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती जा रही है। तो ये तो जीतन राम मांझी किस तरीके से दिक्कतें जेडीयू में पेश आ रही वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब मुलायम की बात कर लेते हैं। इस विलय की राह में एक बड़ा रोड़ा मुलायम सिंह यादव का उदासीन रवैया भी है। समाजवादी पार्टी के कई नेता मानते हैं कि इस विलय का फायदा सिर्फ सदन में मिल रहे जो राज्यों में है उसमें नहीं है, लिहाजा इस विलय का कोई मतलब नहीं है। वैसे मुलायम राजनीति में यू टर्न के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको याद होगा वीपी सिंह चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ था, वहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यू टर्न का ताजा उदाहरण राष्ट्रपति चुनाव का जब ममता को मुलायम ने झटका दे दिया था।
प्रणब मुखर्जी के खिलाफ एपीजे कलाम की उम्मीदवारी को लेकर मुलायम ममता एक साथ आए, लेकिन बाद में मुलायम ने प्रणब दा को सपोर्ट कर दिया। इससे पहले न्यूक्लियर डील के वक्त जब लेफ्ट ने यूपीए से समर्थन वापस लिया, उस वक्त अचानक मुलायम ने रुख बदलते हुए न्यूक्लियर डील का समर्थन कर दिया और यूपीए की सरकार को बचा लिया। तो मुलायम का विश्वास कैसे किया जाए? ये इसको उदासीन रवैया भी कहते हैं, डुअल स्टैंडर्ड भी कहते हैं। दरअसल जनता परिवार का जो इतिहास, इसके मजबूत अस्तित्व को लेकर भी कई सवाल खड़े करता है। 1988 में पहली बार आपको याद होगा कि जनता दल वजूद में आया था, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल एक झंडे के नीचे थे। 1989 में जनता दल की बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी, वीपी सिंह पीएम बने, लेकिन कुछ ही महीने बाद देवीलाल का तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एसआर बोम्मई से विवाद हुआ। देवीलाल के समर्थन में चंद्रशेखर ने 54 सांसदों के साथ पार्टी तोड़ दी। 5 नवंबर 1990 की डेट थी जब चंद्रशेखर ने देवीलाल के साथ समाजवादी जनता पार्टी बनाई, कांग्रेस के सहयोग से पीएम बने। उस वक्त देवगौड़ा, मुलायम, चंद्रशेखर साथ थे, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार सिर्फ 6 महीने में गिर गई। 4 अक्टूबर 1992 को चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी में सेम तप लगी जब मुलायम ने अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। 21 जून 1994 को जनता दल फिर बटा, पार्टी के 14 सांसद जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में अलग हो गए, इसका नाम समता पार्टी हो गया। 1997 में एक बार फिर जनता दल टूटा, लालू के नेतृत्व में। 1997 को आरजेडी अस्तित्व में आ गई। 1997 में बीजेपी से तालमेल को लेकर ओडिशा में भी पार्टी टूट गई। ओडिशा के नेता बीजेपी से तालमेल के पक्ष में थे, लेकिन शरद यादव राजी नहीं, पार्टी टूटी, बीजू जनता दल का गठन हुआ। 1997 में कर्नाटक में पार्टी को झटका मिला, रामकृष्ण हेगड़े ने लोक शक्ति के नाम से अलग पार्टी बनाई। 1998 में समता पार्टी से अलग होकर ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो बनाई। 1999 में लोकसभा में बीजेपी से तालमेल को लेकर जनता दल फिर धोखे में बढ़ गया। तो ये सियासी सिलसिला चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है, चाहे 1999 हो, 2000 हो, लोक जनशक्ति पार्टी और तमाम पार्टियों का विलय, गठन। अमित झा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, हम बता रहे थे अभी तक, जब तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, हम ये बता रहे थे कि जीतन राम मांझी जेडीयू किस तरीके से विलय, इसमें भी एक खतरा है। जीतन राम मांझी अचानक से एक सियासी मसीहा और पॉलिटिकल पार्टी जो है जेडीयू, उसके नेताओं के लिए। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह का डुअल स्टैंडर्ड, पता नहीं कब किसके हो जाए, कब किससे अलग हो जाए, किसके समर्थन में पता नहीं चलता है। अब ये सबसे पहले बताइए, जेडीयू की बैठक आज हुई थी, क्या अपडेट पहले आप देंगे उससे? जी देखिए निहारिका, साफ है कि जेडीयू की बैठक हुई और लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कई जो जेडीयू के नेता हैं उन्होंने आपत्ति जताई और ये कहा कि विलय की बात तो दूर, गठबंधन भी नहीं होना चाहिए लालू यादव से, और लालू यादव अगर अकेले चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं तो वो जाकर देख सकते हैं कि उनकी शक्ति कितनी है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो जेडीयू नेताओं के बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआत के दिनों ही से इस पक्ष में नहीं थे कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार को जाना चाहिए, लेकिन देखिए बात आगे बढ़ गई है, विलय को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें पेच दूसरा है। पेच यहाँ पर है कि आखिर नेता कौन होगा विलय के बाद, क्या लालू यादव इस बात को लेकर तैयार हो जाएंगे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, कई तरह की चीजें हैं। वहीं मुलायम सिंह ने पेच फंसा के रखा है और उसको लेकर शरद यादव का आपको बयान याद होगा कि जब बात नहीं बन रही थी, सहमति नहीं बन रही थी, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने बयान दिया था कि पहले बिहार में चुनाव है तो बिहार में आरजेडी जेडीयू का विलय हो जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लालू यादव ने उसी दिन उस बात को काट दिया था और उन्होंने कहा था कि जब भी विलय होगा 6 समाजवादी दल की का विलय होगा, क्योंकि देखिए लालू यादव के लिए जितनी मजबूरी यहाँ पर विलय करना है उतनी ही मजबूरी ये भी है कि मुलायम सिंह को वो नाराज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक पारिवारिक रिश्ते में वो बंधे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई पेच हैं। और दूसरी ओर जो लालू यादव का कल बयान आया है उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विलय की बात नहीं होगी और विलय के बिना ही हम चुनाव में जाएंगे। यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है लालू यादव और नीतीश कुमार के द्वारा, देखिए विलय की बात हो रही है लेकिन नीतीश कुमार हर एक दिन प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। लालू यादव कहते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, 15 मार्च को बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे पटना में। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स की गेम है कि पावर किसके हाथ में ज्यादा रहता है, अगर विलय हो तब भी और नहीं हो तो बिल्कुल चुनाव भी यहाँ करीब है। और अमित, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि गुब्बारा उड़ा तो था लेकिन फुस हो गया, कह सकते हैं कि धुंधली स्थिति बना दी है, धोखा हो सकता है जनता परिवार।